आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री लोक सरोकार के मुद्दे पर बोलने लगेंगे उस दिन देश को अपना प्रधानमंत्री मिल जाएगा। उन्होंने कहा जब तक देश का संविधान है तब तक हम सबके अधिकार सुरक्षित हैं। मनोज झा ने प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मनोज झा ने कहा कि पीएम नौकरी, महिला सशक्तिकरण, अग्निवीर योजना खत्म करने जैसे मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव तो इन मुद्दों पर होना चाहिए। इंडिया अलायंस के सवाल पर मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ना कांग्रेस परेशान है ना आरजेडी परेशान है। बिहार की पूरे देश की चिंता चल रही है, क्या सचमुच ये संविधान बदल गया है? तो आज चुनाव कुछ नहीं मिला, चुनाव संविधान को कलेजे से काटने का चुनाव, कलेजे से सटा करके इस पर जो भी पूरी नजर रखेगी उस नजर का नजरिया बदल रहे हैं। और वो मैं अकेले नहीं करूंगा, वो कहते हैं ना इस रात की दीवार को उठाना है जरूरी, ये काम मेरा कुछ अकेले से नहीं होगा, ये सिर्फ तेजस्वी से नहीं, सिर्फ हमारे राष्ट्रीय दल से नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से नहीं, एक एक व्यक्ति को सोचना होगा। दलित, बहुजन, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, आदिवासी समाज, अक्लियत और प्रगतिशील वर्ग, चाहे किसी भी जाति, ये संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा, देश की एकता नहीं रहेगी, देश की अखंडता नहीं रहेगी। बस रहेगा तो रहेगा सिर्फ नागपुर का विधान, संविधान और नागपुर के संघ के विधान में नीलों नीलों का फासला है, इस फासले को मिटने ना दें। प्रधानमंत्री जब किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा तो आप यकीन मानिए कि उसको वो इशारा कर रहे हैं आग लग जाए। भोपाल में गरजे, प्रधानमंत्री बोलते तो है नहीं, गरजते हैं, तो भोपाल में गरजे और 72 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के खिलाफ गरजे उसके साथ गलबैया करते हुए गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था। आज वो उस राज्य के पश्चिम के राज्य के उप मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी की बातों को जो एक उसमें जो गांधी होना चाहिए अब बिहार आ रहे हैं, आप ही देखिए नेता प्रतिपक्ष जेडी नौकरी को बात कर, महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण को बात, अग्निवीर को पुरानी व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं, रेलवे की नौकरियों को 14 दिन पहले की व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक शब्द मैं आपसे आग्रह करता हूं, ईमानदारी से बताऊंगा, जिस राज्य में नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है, हमारे भाजपा के लोग ये कह रहे हैं, उस राज्य में प्रधानमंत्री जी नौकरी में चुप रहे, उस राज्य में प्रधानमंत्री जी ठोस मौलिक मुद्दों को चुप रखते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी लोक सरोकार के मुद्दों पर बोलने लगेंगे इस देश को अपना प्रधानमंत्री मिलेगा। अभी तक हमें प्रचार मंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से गए। बड़ी अच्छी किताब, आपके अधिकारों को महफूज रखने की बात, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में ये रहेगा, जिसका काम है संविधान को चलाना, क्रियान्वित करना, अगर वो व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह और दल अच्छी नियत का नहीं होगा, ये संविधान बचाव नहीं कर पाएगा। आज हम उस परिस्थिति में पहुंच गए जहां अपने शर्मी से लोग कह रहे हैं, अलायंस से लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलते रहते हैं, हमें बहुमत इसलिए दो, संविधान को चलाना, क्रियान्वित करना, अगर वो व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह और दल अच्छी नियत का नहीं होगा, ये संविधान बचाव नहीं कर पाएगा। आज हम उस परिस्थिति में पहुंच गए जहां अपने शर्मी से लोग कह रहे हैं, अलायंस से लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलते रहते हैं, हमें बहुमत इसलिए दो कि हम संविधान को बदलते रहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ही शुड कैरी एन आईना, अमीरा बेटे, ही इज रिपीटिंग द सेम वर्ड्स, समबडी हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग मोर देन 5 लाख जॉब्स in a span of 17 months, is it Chandra Raj?
प्लीज ब्रिंग दैट कल्चर चैनल बाय प्रधानमंत्री जी एंड फुड व्हाट वुड बी मोर एट्रोसियस देन द फैक्ट दैट मणिपुर द कंडीशन इन मणिपुर एंड आवर प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट हैव द टाइम टू रिजेक्ट इट एंड रिस्टोर पीस एंड नॉर्मलिटी एंड दैट्स व्हाई आई सेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी ड्रेस मैन बट ही शुड कैरी अ मिरर is reflects reality. And finally, I will tell you, so NCRB is not controlled by Rashtriya Janata Dal. Look at NCRB data. You have been saying the same thing since 2013. Much water has flown through Ganga, Kosi, Ganga. You should understand that. पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है इंडिविजुअल कोई भी हो मैं वो ये